आइए अब क्रम को 100 तक पहुंचाए थे, परसेंटेज को 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते चले। कर जनवरी 22 में कृति ने ईएमआई भुगतान किया जो वेतन का 22% था। आगे करा शेष वेतन को किराना सामान कपड़ा पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया, कपड़ा का पैसा दिया हुआ है। और फिर कह रहे फरवरी 22 में उसके वेतन में 16% वृद्धि हो तो फरवरी में कितना था। तो पहले तो प्रारंभिक वेतन जनवरी वाला डेटा है तो जनवरी का तय करते हैं। जनवरी 22 में अगर एक्स इनकम होगा तो 22% तो पहले ईएमआई में चला गया तो बचा कितना 78%। ये बचा। अब कह रहे उसको 7:5 के अनुपात में बांट के बचे हुए में कपड़ा खरीदारी और किराना सामान में, कपड़ा खरीदारी दिया हुआ है तो कपड़ा खरीदारी में कितना जा रहा है 5 और टोटल कितने में 12 में, तो 5/12 कपड़ा खरीदारी में जा रहा है जो कि राशि दिया हुआ है 18200। एक्स तो आपका निकल गया 18200, ये दोनों डेटा ऊपर चला जाता 12 × 100 = 1200, ये 78 × 5 = 390। लेकिन यहीं तक नहीं रुका है, अरे उसके वेतन में 16% ये तो हो गया जनवरी का वेतन, 16% बढ़ जाएगा 116/100 हो जाएगा। अब इसी को काट के लिखना है जो भी रिजल्ट आए, 2 0 यहां से, 2 0 यहां से, 1 1 0 यहां से, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटा 13, 13 से कट जाएगा 1 बार में 13, 4 बार में 52, 14 × 4 = 56, 560 × 116 = 1 116 × 6 = 6 96 बचा, 116 × 5 = 580, ये जुड़ जाएगा तो 600 649 64960 लिख दीजिए 64960। अच्छा देखिए ये तो समझ में आया, इसको अगर इतना करके लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा खपत हो जाएगा, तो वन डे में दूसरा विकल्प बड़ा डेटा गुना करने में थोड़ा मेहनत है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आमदनी था, 22% ईएमआई में चला गया तो 77/78/100, उसका 5/12 भोजन पर खर्च है जो कि है 18200। एक्स निकालना होता, अब क्या करें डिजिट सम का यूज करते हैं। इसका पहले तो 8 7 15 3 से कट रहा है क्योंकि नीचे का डेटा 3 नहीं आना चाहिए, 2 बार में 6 6 बार में 18, 3 से 4। अब डिजिट सम का प्रयोग करते हैं, ये तो 4 यहाँ, इसका एक ही रहा, ये 4 यहाँ आ जाता, ये हो गया 6 2 8 8 × 5 = 40, 40 का हो गया 4, कहानी खत्म। इसका डिजिट सम 8 1 9 हट गया 2। अब साथ में करा ये जो 2 है वो 16% बढ़ जाएगा तो 116/100, इसका डिजिट सम कहानी खत्म, 1 रहा, 6 1 7 1 8 8 का डबल 16 16 का 6 1 7, फाइनली डिजिट सम 7 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 6 3 9 हट गया, 6 5 11 तो 1 1 2 होगा, 7 2 9 हट गया 5 होगा, डिजिट सम क्या आना चाहिए 7। यहाँ पर आइए तो 8 6 14 4 1 5 5 10 2 12 3 होगा, यहाँ आइए 6 4 9 हट गया, 6 4 10 का 1 6 1 7, डिजिट सम 7 आना चाहिए, तो आराम से डिजिट सम 7 वाला चुन लीजिए। डिजिट सम बस यही कहता है कि अंक को जोड़ते जाइए और एक अंकीय में कन्वर्ट कीजिए, ये भी कह सकते हैं, या फिर 9 जहां पूरा होता जाए हटा दीजिए, जैसे 12 है मान लीजिए 13 है तो 13 का डिजिट सम अगर लिखना है या तो 3 1 को जोड़ के 4 कहिए या इसमें से 9 हटा दीजिए तब हो गया 4। डिजिट सम यूं ही निकालते हैं, बस ध्यान रहना ये रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में अगर 3 का गुणज हो तो उसका डिजिट सम कभी भी 1 नहीं हो सकता है कन्वर्ट करके, इसलिए 3 वाला डेटा या 3 के गुणज वाला डेटा को काट लेते हैं। जैसे यहाँ 78 को काट लिए, अब डिजिट सम निकाल दिए तो 16% बढ़ा, इसको बढ़ा लिए, अब डिजिट सम हो गया 7, तो फाइनली डिजिट सम 7 वाला आंसर होगा। ये काम तभी किया कीजिए जब आपको लगे कि गुना काफी लेंदी जा रहा है, चलिए ठीक है। अब बेसिक गुना खुद कट रहा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि डिजिट सम का प्रयोग कीजिए, डिजिट सम मेनली हेल्प करता है वहीं पर, हेल्प क्या हेल्प तो सब जगह करेगा लेकिन बेहतर कहा जाता है क्योंकि डिजिट सम में चारों ऑप्शन देखना पड़ता है ना, कहीं बाय द वे दो दो ऑप्शन का सेम डिजिट सम हो तो फिर अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ता है। चलिए 102 नंबर क्या कर रहा है,
अरे दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन में 10% वोट नहीं दिया, डाले गए में से 10% रिजेक्ट हो गया, जीतने वाला 56% लाया और इतने वोट से जीता, इतने मतों से क्या कहा है कि अंतर से चुनाव जीत गया था, जीत हार का डेटा दिया है। तो अब पूछा है सूची में नामांकित तो पता नहीं तो एक्स कहते हैं, 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं दिया तो बचा कितना 9/10, फिर जो बचा उसमें से 10% रिजेक्ट हो गया तो फिर बचा 9/10। अब पहला कैंडिडेट को बचे हुए में 56% आया, तो दूसरे कैंडिडेट को बचे हुए में कितना आता 44%, इस दोनों के बीच जीत हार कितने से होता 12%। तो यहाँ पर डेटा जीत हार का दिया है तो जीत हार इस दोनों का 12% जो कि दिया हुआ है 1458। आराम से एक्स को निकालना है, काट के निकालिए, जो कट जाए 9 से ही काटते हैं, एक बार में 9, 5, 6 बार में 54, 2 बार में 18, फिर 9 से, एक बार में 9, 8 बार में 72, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 1, 2 से काट ही लीजिए 5 बार, तो 5 गुना 3, 15, 3 जीरो जाएगा, तो 15 के पीछे 3 जीरो गया मतलब 15,000। आराम से टिक लगाइए, बढ़ते चले जाइए। आइए कहानी किया जाए क्वेश्चन नंबर 103 का। आय का 25% उपभोग करने योग्य वस्तु पर, शेष आय का 18% किराया पर, शेष आय का 16% खर्च करता है। बार बार देखिए, आय का 25% दैनिक उपयोग पर, शेष आय का 18% किराया पर, शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करने के बाद इतना बचता है तो वेतन कितना, तो शुरू में पता नहीं तो एक्स है, 25% खर्च हो गया तो बचा 3/4, फिर 18% किराया पर खर्चा कर दिया तो 82% बचा 82/100, फिर जो आय है उसका 16% यात्रा पर खर्च कर दिया तो बचा 84/100। ये बची हुई राशि दिया हुआ है 861। तो अब जो जहां कट रहा है उसको काटिए, 41 से 2 बार, 2 बार में 82, 4 बचा, 1 बार में 41, 21 से डेटा कट जाएगा 4 बार में 84, ये वाला 4 कट ही गया, 2 से कट जाता 50 गुना 100, 5,000/3, एक्स का वैल्यू हो गया 5,000/3, 1,666/2/3, 1,666.2/3, आराम से भी नंबर डंगिए, बढ़ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 104। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 3 पेपर देना था, 75%, 80% और 60% अंक लाया, एबीसी में 40-50 भार अंक दिया गया, मतलब जो अंक लाया उसका 40% ए को, उसका 50% बी को, 10% सी को, तीनों पेपर में, अरे एक साथ भारांक का परसेंट, एक साथ मतलब सब भारांक जोड़ के बताना है, तो पहला पेपर 75 का है, इसमें 60% लाया तो 3/5 भारांक, नहीं भारांक कितना है, ए में 40%, 40% लाया का मतलब 2/5, बी पेपर में 80 है, अब भारांक है 50%, 1/2, और सी में लाया है 60%, अब भारांक है 10%, 1/10, 5 से 15, 15 गुना 2, 30, ये हो गया 40, ये हो गया 6, 40, 30, 70, 6, 76, टोटल भारांक जोड़ के कितना हुआ 76%। आराम से रंगिए, निकलिए। 105 नंबर का रहा है, रीमा आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर और शेष का 15% खर्च करती है कपड़ा पर, शेष आय का 40% बचाती है और मासिक वेतन दिया हुआ है तो बचत पूछा है, बचत नहीं मालूम तो एक्स कहिए, 35% पहला जगह खर्चा हो गया तो बचा कितना 7/20 खर्चा हो गया तो बचा कितना 13/20, 15% दूसरा जगह तो 3/20 खर्चा हो गया तो बचा 17/20, 40% बचत है और बचत ही पूछा है। अच्छा वेतन दिया हुआ था, फिर से वेतन ही दे दिया है तो शुरू वाला तो उपलब्ध करा ही दिया है 27,500, 35% खाद्य वस्तु पर तो 7/20 खर्चा तो बचा 13/20, अब उसके बाद सेकंड पर करा है कि 15% खर्चा तो 3/20 खर्चा तो बचा 17/20, अब जो बचा उसका 40% बचाती है, सेविंग ही पूछा है इसका 40%, यही सॉल्व करना है। ये देखिए 20 गुना 5, 100 और 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कटा 10, 10 रहने ही दीजिए नीचे। अब पुना भाग में अगर मेहनत सा फीलिंग दे रहा हो तो डिजिट सम का यूज कर देते हैं, देखिए 7, 2, 9 हट गया, 5 बचा डिजिट सम, 3, 1, 4 बचा, 7, 1, 8 बचा, नीचे का तो 0, 1, 1 ही बचा, 5 गुना 4, 20, 20 गुना 8, 160, 160 का 6, 1, 7 होगा डिजिट सम। अब 7 डिजिट सम वाला डेटा चुनिए, कौन सा होगा,
ये 7 7 14 6 20 5 25 5 2 7 हो रहा है। ऐसे आगे देखिए 7 7 14 2 16 6 22 5 27 7 2 9 हो रहा है, 7 1 8 6 14 14 5 19 9 1 10 1 हो रहा है, 6 3 9 हट गया, 7 5 12 तो डिजिट सम 3 आ रहा है। डिजिट सम क्या आना चाहिए? 7। हाँ, जिसको डिजिट सम नहीं हो जाता है तो बैठ के पूरा गुना करना है, एक बार 13 से फिर 17 से, 17 से ही कर लेते हैं, 17 गुना 5 85, 8 बचा 17 गुना 7 119 8 127, 12 बचा 34 12 46 हुआ, और गुना करना है 13 से, 13 गुना 5 65 हुआ, 13 गुना 7 91 6 97, 7 हुआ 9 बचा 78 9 87 8 बचा 52 और 8 60 हुआ। अब बटा में 10 है तो 1 अंक पहले डेसिमल, ये हुआ पूरा गुना करके तब आंसर निकालना। पहले कहें कि बड़ा गुना का लफड़ा जहां भी दिखे तो वहां बेहतर कहा जाता है कि आप डिजिट सम का सहारा लेके निकल जाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, बस ख्याल ये रखना कि डिजिट सम में डिनोमिनेटर में 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिजिट सम काम नहीं देगा। आगे आइए, कुल टॉफी में 1/10 खराब हो गया। आगे कह रहा है शेष का 35% एस को दिया जाता है और कुल का 1/8 एन को दिया जाता है। एन और खराब टॉफी के बीच का डिफरेंस, अच्छा खराब हो गया 10, 1/10 मतलब 10%, शेष का तो 90 का, अब 35% दिया गया एस को, खराब तो हो गया 10%, अब बचा 90, इसका 35% 7/20, 9 गुना 7 63/2 31.5 एस को दिया गया, और 1/8 जो है वो करेक्ट, और कुल टॉफी का 1/8 एन को, 1/8 मतलब 12.5% एन को दिया गया। एन वाली टॉफी खराब टॉफी से 10 अधिक है तो इसका और इसका डिफर 2.5% बराबर दिया हुआ है 10। आपको पूछा है एस को कितनी टॉफी दी गई तो 31.5, सिंपल है तो काहे के लिए जाइएगा डिजिट सम में, 10/2.5 गुना 31.5, दशमलव यहीं से खत्म, 1 बार 5 से कटा 2, 1 बार 5 से कटा 63, 63 का डबल 126, आराम से चुनिए लिखिए ऑप्शन नंबर ए। ये 7वां, थोड़ा लंबा है चेहरा 7 नंबर। अरे एक परिवार की मासिक आय 35,000, आय को भिन्न मद पर खर्च कर रहा है, भोजन स्वास्थ्य हेल्थ शिक्षा केशन मनोरंजन इंटरटेनमेंट और किराया रेंट, और हर महीने 8% बचाता है, अब बाकी इस पर खर्च करता है, 8 बचा रहा है मतलब बाकी अर्थात 92% खर्च कर रहा है। अब रिलेशन दिया है स्वास्थ्य पर भोजन से 50% अधिक, तो भोजन पर अगर 50% 1/2 तो इस पर 2, तो इस पर 1 अधिक तो 3, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक हो गया, भोजन पर व्यय मनोरंजन का 3 गुना है, भोजन पर जो खर्चा है इंटरटेनमेंट का 3 गुना है, इंटरटेनमेंट का 3 गुना भोजन पर है, तो इंटरटेनमेंट पर क्या लिखते 2/3, जिसका 3 गुना 2 होता, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है, तो स्वास्थ्य वाला हेल्थ वाला शिक्षा वाला का आधा है, मतलब शिक्षा इसका डबल होगा, 6 6 आधा 3, स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है, ये खत्म। और थोड़ा जोड़ा है किराए पर व्यय रेंट वाला व्यय क्या करे, भोजन स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन स्वास्थ्य शिक्षा 3 2 5 6 5 11, अब उसका क्या है 1/3 है, 11/3, पहले सीधा कर लीजिए 3 से गुना करते तो 6 होता 9 होता 18 होता, ये 3 से गुना तो 2 रहता 11 रहता, इस रेशियो में 92% को बांट देना। अब पूछा गया है शिक्षा पर कितना व्यय करता है, एडुकेशन वाला ये वाला पूछा, अच्छा टोटल आमदनी कितना है 35,000, इसके 92% 92/100 को में इसका हिस्सा निकालना है, 18 भाग निकालना है, टोटल कितना है 11 9 18 27 27 6 33 2 35 10 45 1 46, अब काट लीजिए जो जहां रिजल्ट आता हो, 46 का डबल हो गया 92 2 0 यही कट गया, 25 का डबल 70 हो गया, 700 गुना 18 12,600, यहाँ हो आराम से चुनिए निकलिए 7वां चेहरा। आइए 108 नंबर, क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% कमी की जाती है, फिर 20% वृद्धि की जाती है, अंतिम मूल्य
520 एक्स का समान है, पहले 10% कमी किया तो 9/10, फिर 10% बढ़ा दिया 11/10, अंतिम रेट बता दिया है 540। अब कह रहे हैं वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, बाद में 20% वृद्धि की जाती है, पहले 10% कमी अब बाद में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि किया मतलब 6/5, 9 × 6 = 54 कट ही गया, ये 50 × 10 तो कितना 500, आराम से लिखिए निकलिए 500 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में, कह रहे पहले महीने मोहन की आय में 30% वृद्धि होती है और दूसरे महीने उसके आय में 30% कमी होती है, तो पहला महीना 30% बढ़ा तो 13/10 और दूसरा महीना 30% घटा मतलब 7/10 मतलब 91/100 था और 91 पर पहुंच गया, प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है तो 100 में 9 कम मतलब 9%, अब हुआ क्या कमी तो आराम से लिखिए 9% डिक्रीज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 110, तरुण के पास बसाओ के स्वामित्व वाले भूखंड से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है, तो बसाओ रहने के लिए जो भी भूखंड उपलब्ध है उससे 10% ज्यादा तरुण के पास है और नकुल के स्वामित्व वाला क्षेत्रफल, नकुल के स्वामित्व वाला क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड से 40% अधिक है और नकुल का भूखंड दिया हुआ है। अच्छा, तो कुल भूखंड अगर x का होगा तो तरुण के पास उससे 10% ज्यादा 11/10 नकुल के पास, और नकुल के पास जो है उससे नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक, तो तरुण वाला से 40% ज्यादा नकुल के पास। सबसे पहले तरुण के पास कुल अगर स्वामित्व का एक्स है तो तरुण के पास हो गया उसका 11/10, अब तरुण से नकुल 40% ज्यादा तो 7/5, अब ये दिया हुआ है एरिया 2695। अब पूछा है स्वामित्व वाला भूखंड मतलब एक्स का मान, काट देते हैं काहे के लिए, छोटे छोटे डेटा में डिजिट सब में जाइएगा, 11 से 2 बार में 22, 4 बार में 44, 5 7 से काटिए, 3 बार में 21, 5 बार में 35, 35 × 5 = 175, 10 तो 1750। ठीक है, रिसर्च वहाँ किया जाता है वनडे में जहाँ पर कि पहले से इशारा मिल जाए कि नहीं बहुत ज्यादा गुना भाग करना है, इसमें है कौन सबसे कम है तो परसेंटेज तो सब में लगा हुआ है। अब इसका पहला तो 12 का टेबल पढ़ दीजिए, 12 × 5 = 60 हुआ, 24 × 6 = 34, 72 × 3 = 75, दूसरा वाला 15 × 5 = 75, 75 × 7 = 82, 75 × 8 = 83, तीसरा वाला में आइए तो इसका 720 × 10 = 7200, चौथा 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 4 = 40, 4 = 72, 4 = 76। पूछा है सबसे कम तो तीसरा चेहरा कौन सा है, 720 का 10%, अब जहां हो संयोग से नंबरिंग में भी 720 का 10% तीसरे पोजीशन पर ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 112 इसे देखें, रवि आय का 20% बचाता था, आय 25% बढ़ा तो नॉमिनल बचत में 5% वृद्धि हुई, वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अब कह रहा है ये नहीं कह रहा है कि कितना परसेंट बढ़ा है बचत, कह रहा है कितना बचा रहा है। अच्छा, 100 रुपया अगर कमाता था तो सेविंग उसका 20% था, एक्सपेंडिचर उसका क्या था 80 था। अरे आमदनी में 25% वृद्धि हुई तो आमदनी पहुंच गया 125 पर, बचत भी 5% बढ़ा तो 20 का 5% 1/20 बढ़ा 21 पर। अब पूछ रहा है वह वर्तमान में नॉमिनल कितना परसेंट बचाता है, 125 में 21 बचा रहा है, 21 बचा रहा है 125 में, परसेंटेज गुना 100, 25 से 4 25 से 5, बढ़िया होगा और 2 गुना कर ही दीजिए तो 8 का टेबल 8 8 × 2 = 16, 8 इसलिए पढ़ रहे कि 2 गुना कर लेंगे तो ये 10 होगा तो सीधा एक अंक पहले डेसिमल, तो 16.8% आराम से रंगिए निकलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 113, प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है, तो सैम का अंक पीटर से, तो पीटर अगर 100 पाता है तो सैम पाता है 19, कम का मतलब 81। अब पूछ रहा है पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा अंक से कितना अधिक है, इससे ये कितना ज्यादा है, तो ज्यादा तो है 19 ही, लेकिन अब तुलना होगा 81 से, अब परसेंटेज तो गुना 100, अब काट लीजिए जो जहां कट रहा हो, 8 से 2 बार में 16, 162 28 बचेगा, 3 बार में 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो आराम से डी को रंगिए निकलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है,
पिता अपने आय का 8% दोनों बेटे को पॉकेट मनी के रूप में देता है और बड़े बेटे को दोनों बेटे के दी जाने वाली राशि का 85% मिलता है। वह 90% खर्च कर देता है और 17 बचाता है। क्या डेटा दिया है? बड़े बेटे का बचत। तो बड़ा बेटा में आइए, पहले आमदनी पिता का एक्स है, बेटा को दिया कितना 8%, 8/100, उसमें से बड़ा बेटा को मिला 85%, तो 85% मतलब 17/20 बड़ा बेटा को। अब बड़ा बेटा उसमें से 90% खर्च कर दिया, अब दिया हुआ राशि बड़े बेटे का बचत है, तो जब 90% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 10%, जो कि दिया हुआ है 17, ये 17/17 कट जाएगा, ये 8 से काट लेते हैं तो ये 200 में 8 से भाग 25, 100 एक्स का वैल्यू हो गया 2500। तो छोटे छोटे डेटा में कोई जरूरी नहीं है कि बैठ के जबरदस्ती का डिजिट सम में माथा कपत कीजिए। डिजिट सम वहां लगाइए जहां पर डेटा में लगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आइए, पेट्रोल की कीमत में 81% वृद्धि हो जाती है। होने वाले ब्याह को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितना कम करना चाहिए? तो रेट कह रहा है 81% वृद्धि हो जाती है, मतलब 100 था तो 181। क्वांटिटी तो तुरंत पलटी मार दीजिए, 181 अगर किलो लीटर खपत करता था तो अब खपत करना पड़ेगा 100। कितने की कमी करनी होगी? कमी 81। अब कमी किस में? 181 में। अब परसेंटेज है तो गुना 100, चार बार में 720, अचार 724, तो बचेगा 86, फिर चार बार 44 पॉइंट, एक ही जगह विकल्प ही है डी 44 पॉइंट। हमेशा ऑप्शन पर बड़े भाग में कांस्टेंट रहा कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि डिजिट सम में जाइए। किसी का मन होता कि ना हम डिजिट सम ही यूज करेंगे, तो कभी भी जब कह रहा होता है 2 दशमलव स्थानों तक सही सही बताइए, इसका मतलब उसका रिजल्ट 3-3 अंक, 4-4 अंक तक भी जा सकता है, 10-10 अंक भी जा सकता है, रेकरिंग भी जा सकता है। तो अप्रोक्स वाले क्वेश्चन में डीएस का यूज नहीं होता है, डिजिट सम या जिसको कोई कोई C9 कहते हैं उसका यूज मत किया कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। चलिए, सोहम का व्यय बचत 5-3 के अनुपात में था, आय इतना बढ़ा, प्रारंभिक बचत दिया हुआ है, वृद्धि के बाद आय बतानी है। जब प्रारंभिक बचत दिया हुआ है, खर्च बचत आमदनी सब उपलब्ध है, आय 25% बढ़ा तो वृद्धि के बाद आय। देखिए व्यय ये जो दिया है कौन सा? आरंभिक बचत दिया हुआ है। आरंभिक बचत क्या था? 3, तो 3 भाग दिया हुआ है आपको 4500। आमदनी का मतलब ये 5, खर्चा और बचत मिला के 8 भाग, 3 से घटा 15, 15 गुना 8, 120, 00 तो 12000। ये भी बताया है कि आय क्या हुआ है, 25% वृद्धि हो जाती है, तो कुछ बाद की आय पूछ रहा है। तो अब इस आमदनी को अब 25% 1/4 बढ़ा दीजिए तो 5/4, 4 से घटा 3000 गुना 5, 3000 गुना 5 = 15000, आराम से टिक लगाइए, बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? पिछले वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के कीमत में 10% वृद्धि हुई, एक बार 10% वृद्धि हुई और फिर 10% कमी आ गई, तब कीमत बचा 66000। तो पिछले वर्ष के शुरुआत में कीमत क्या थी? नहीं मालूम तो एक्स था। अब देखिए तो फिर कह रहा है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, तो हो सकता है 2-2 अंक 3-3 अंक तक रिजल्ट जाए, इसका मतलब यहां पर कभी भी डीएस का यूज नहीं कीजिएगा, काटिएगा। तो 10% वृद्धि हुई तो 11/10, फिर 10% कमी हुई तो 9/10, अब रिजल्ट हो गया 6 6 000, 11 से कट गया 6 बार, 3 से 3, 3 से 2, तो 2/3 2 5 0 में 3 से भाग पड़ेगा, तो 2/5 0 मतलब 2 लाख में भाग 3 से भाग दीजिए, 6 बार में 18, 2 6 बार में 18, 6 6 6 दशमलव 6 6, तो लगभग हो गया आपका इस पॉइंट में 7 कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? ये भिन्न का एक चेहरा है, अंश कुछ भी होगा, एक्स होगा, ए होगा, तो 12% बढ़ गया मतलब 112% हो गया, हर वाय होगा 8% कमी हुई तो 92%, तब ये हो गया 16/17, रिजल्ट बन के आ गया। अब आपको मूल भिन्न मतलब एक्स बटा वाय निकालना है, परसेंटेज सिंबल कट जाएगा, 7 बार में 112, अब इधर 7 से तो नहीं कटा, 17 से नहीं कटेगा, तो 92 बटा x बटा y, ये 92 यहाँ ऊपर चला जाता, 119 नीचे, ऊपर 92 नीचे 119, ऑप्शन नंबर ए। आगे आइए, अरे एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% कमी होने से आदमी की संख्या 50% वृद्धि हो गई, संग्रह
में क्या इफेक्ट पड़ा? प्रवेश शुल्क रेट जो है 25% 1/4 कमी हुआ था 4 से 3, और संख्या क्या हुआ तो 50% 1/2 बढ़ गया, तो 2 आदमी आता था तो 3 हो गया। आमदनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो 2 आदमी आके 4-4 दे जाता था तो 8 रुपया, 3 आदमी 3-3 दे जाएगा तो 9। आमदनी 1 बढ़ा था कितना 8% × 100, 25/2 मतलब 12.5%। होगा क्या इंक्रीज? तो इंक्रीज लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 120, इलेक्शन का है, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, इसमें से 10% अवैध हो गया, तो डाला उसके बाद उसमें से 10% बेकार गया। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो कि कहां से वैध वोट का 60, तो पहुंची है उस उम्मीदवार तक। नामांकित मतदाता पता नहीं तो एक्स था, वोट पड़ा कितना 80%, 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, उसमें से 10% बेकार चला गया, तो 10% बेकार गया तो सही सलामत कितना 9/10, और इसको आया है वैध वोट का 60%, 3/5 आया, जो कि है 9936। अब इसी को सॉल्व करना है, पहले तो डिजिट सम में भी जाने का इरादा होता तो 3 का गुना काटना ही पड़ता, 9 से काट लिए 1104, फिर 3 से काट लिए 3 बार में 9, 2 बचा 6 बार में 18, 8 बार में 24, और जो डेटा है उसको 4 से और काट लीजिए 9 2 92, ये 92 × 25 कर लेते, गुना 100 कर लेते, 92 × 25 100 नहीं है 10 है, 25 4 हटा देते तो 23, तो 23 × 4 92, 25 × 4 100, तो 3 0 23,000 आराम से लिखिए निकलिए। मतलब अगर डीएस भी यूज करना होता तो 9 और 3 हर हाल में काटना ही पड़ता, तब डीएस का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21। अरे एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000, खर्चा 45,000 था, आमदनी इतना बढ़ा, खर्चा इतना बढ़ा, बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो बढ़िया होगा एडिशनल फॉर्म। देखिए 3 0 कट रहा है और 5 से कट रहा है, 3 0 और 5 से काटते तो 16, 3 0 5 से काटते 9, इनकम इसका 16 है, एक्सपेंडिचर इसका 9 है, तो सेविंग इसका क्या होगा 7। अब कह रहा है आमदनी 16 बढ़ा, ये 16 बढ़ा, खर्चा 8% बढ़ा, ये खर्चा 8% बढ़ा, बचत पर क्या इफेक्ट पड़ा? ये क्वेश्चन शायद हमको लगता है 100 तक में कहीं पीछे भी था जो कि रिपीट हुआ। इधर लाके घटा दीजिए, 8 कॉमन ही लेते तो 32, 32 में से 9 घटता तो 23, 23 × 8, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 2 = 18 / 7 एक्स का वैल्यू। ऑप्शन दशमलव में है तो 2 बार में 14, 4 बचा, 6 बार में 42, 2 बचा, 2 बार में 14, 6 बचा, 8 बार में 56 और है क्लोज 26.28। तो 26 देखते तो ही काम आपका चल जाता, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। रिपीट कर दिया था या एग्जाम ही रिपीट किया हो क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। अरे बैंकेट अपनी आय का 65% खर्च करता है, प्रतिमाह 1100 बचाने में सक्षम है, तो 65% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 35%, 1100 है, अकर है खर्चा बताइए तो 35% 1100 है, खर्चा पूछ रहा है का मतलब 65% पूछ रहा है, 1100 / 35 × 65, 5 से दोनों डेटा कट रहा है 7 बार और 13 बार, 13 × 11 130, 13 143 00/7, अब भाग दीजिए 2 बार में 14, 3 आया भाग नहीं लगा, 4 बार में 28, 2 आया, 2 बार में 14, 8 बार में 56, 20 42.85। ऑप्शन नंबर बी को रंगिए बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या में घटाया जाता है, तो अब दो चेहरा है, अब दूसरी संख्या घट के 70% हो जाती है, तो कोई संख्या है इसका 20% 1/5 दूसरी में घटाया जाता है तो बी में घटाया जाता है, तो रिजल्ट ये होता है कि दूसरी संख्या घट के हो जाती है 7/10। इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर, तो बी में 7 / 10 घटेगा तो 3 / 10, ये इधर आया तो 1/5, 5 से घटा 2 बार, ये 1/b तो 3/2, 1/b तो 3/2। पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली दूसरी 3/2, यही तो पूछ रहा है, पहली दूसरी का अनुपात 1/b 3/2। अगले में आइए, रीता का वेतन गीता से 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4 ज्यादा है, रीता का वेतन गीता से 1/4 ज्यादा, तो गीता का 4 तो रीता का 5। अब पूछ रहा है गीता का वेतन रीता से कितना परसेंट कम है,
रीता से कम कितना है, एक तुलना रीता से है, 5 गुना 100 बराबर 20%, जहां होगा उसको लिखिए रंगिए। अगला है, ताश खेलते समय एक व्यक्ति पैसा का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में, शेष का 75% तीसरे राउंड में, बार बार शेष का चर्चा किया, अब बचा 100 तो शुरू में तो एक्स था, पहला राउंड में 75% खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना, 3/4 खर्चा तो बचा 1/4, फिर 3/4 खर्चा तो फिर 1/4, फिर 3/4 खर्चा तो फिर बचा 1/4, ये बचा हुआ 100 है, 4 × 4 = 16 × 4 = 64 और 00 है तो 6400, जहां हो रंगिए निकलिए आराम से 125। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, 126वां चेहरा आपका है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% आया, डाले गए मतों की संख्या इतनी थी, 10% अवैध थे तो दूसरे को कितना आया, अच्छा वोट डलाया कितना 8850, इसमें से 10% अवैध था तो वैध बचा 9/10, अब पहला को वैध का आया 60%, तो पहला को जब वैध का 60% आया तो दूसरे को वैध का कितना आता 40%, अब पूछा है दूसरे को तो दूसरे को 40%, 40% का मतलब 2/5, 1 1 0 कट गया, पहले 5 से काट लीजिए 1 7 7, इधर हो गया 18, मन हो कि 8 × 7 = 56, तो इकाई अंक दो जगह पर है 6, डिजिट सम निकाल देते हैं तो इसका 9 तो 0 होना चाहिए, 0 किसका है, 8 1 9 6 3 9 0 है, ये 8 1 9 6 3 9 0 है, डिजिट सम भी सेम है तो बिना गुना किए कोई उपाय अब नहीं है, क्योंकि डेटा का हेरा फेरी किया है, 18 × 7 = 126 12 126 = 12 138 13 18 13 18 10 28 29 30 31 31 86। अब क्या करते, जैसे मान लीजिए यूनिट दो दो जगह मिल गया, डिजिट सम भी तो दो जगह सेम हो गया, पहला का और दूसरा का, क्योंकि उसी डेटा को उठा पटक करके एप्रोक्स का सहारा ले सकते हैं, 17 × 20 भी करते तो 17 × 2 = 3400 ही जाता, इसका मतलब रिजल्ट उससे कम ही रहेगा, 3100 पर रह जाएगा, ऐसे करके निकल सकते हैं, इसलिए कहे कि डिजिट सर ब्रह्मास्त्र नहीं है, लेकिन हाँ बड़े गुना में बड़े काम का चीज होता है, इसलिए समय समय पर जब भी गुना बड़ा दिखे छोटा दिखे तो करते जाइए, अब बड़ा जब गुना दिखे तब मजबूर हो जब जाते हैं कि लगता है बहुत टाइम लगेगा, तब डिजिट सम के दिशा में जाइए। 27वां है, पिछले साल अंकित की लंबाई 160 थी, एक वर्ष में 8% बढ़ गया, इधर लीजिए 160 था, 8% बढ़ गया मतलब 108/100 हो गया, 10 तो कट ही गया, 16 से गुना कीजिए, 16 × 8 = 128 1 16 1 17, एक अंक पहले डेसिमल, 172.8 का 172.8 पर पहुंच जाएगा लंबाई। अच्छा चलिए MTS का था तो MTS लेवल में ठीक ही है, ये भी MTS ही है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए, 84% नहीं है, 84 वोट रिजेक्ट हुआ, जीतने वाले को 62% वैध मत मिला मतलब अवैध छोड़ के, और वह 96 वोट से जीता तो डाले गए वोट, एक्स वोट डलाया होगा, 84 वोट रिजेक्ट हो गया तो सही सलामत वोट ये रहा, अब पहला उम्मीदवार को वैध में आया 62% तो दूसरे उम्मीदवार को कितना आता वैध का 38%, और वह जीता है 96 वोट से, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 24%, इसके 24% से जीत हार हुआ, जो कि आपको दिया हुआ है 96 24 से कट गया 4 बार में, ये 400 तो एक्स माइनस 84 आपका 400 है, अब पूछा है टोटल डाला गया वोट तो एक्स का मान, तो ये 84 इधर जुड़ जाता, 484 ऑप्शन नंबर डी, आराम से रंग के निकलिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्स वाई की कुल बचत कुल आय का 40% औसत व्यय 21,000 है, देखिए औसत खर्चा व्यय नहीं, औसत व्यय 21,000, तो दो आदमी का औसत 21,000 मतलब कुल व्यय 42,000, अब बचत है 40%, 40% क्या है बचत, तो बचत 40% है तो वेतन कुछ भी होगा, जब कुल 40% बचा रहा है तो इसका मतलब खर्चा कितना कर रहा है 60%, 3/5, जो कि कुल खर्च क्या है 42,000, 3 से घटेगा 14 × 5 = 70, तो 70,000 लिख दीजिए, 35 नहीं 70, क्योंकि ये औसत दिया था दो का, था दो का औसत 21,000 का मतलब कुल कितना 42,000। आइए अनविता का मासिक आय, अनविता का मासिक आय 28,500 था, खर्चा 22,500 था,
आ इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा बचत में परसेंटेज, परसेंटेज पूछा तो रेशियो में आ जाए, ठीक है। दो दो जीरो और पांच तो कट रहा है तो काटते हैं, पांच बार में 25, सात बार में 35, दो जीरो और पांच कट रहा है तो 4 5, तीन से और कट रहा है 15, तीन से कट रहा है 19, मतलब है इनकम अगर 19 है तो एक्सपेंडिचर इसका कितना है 15 है, सेविंग की बात होती तो 4 होती। आई 16 बढ़ गया, ये वाला चेहरा 16 बढ़ा, अरे उसके व्यय में 10 की वृद्धि हुई तो खर्चा 10 बढ़ा, बचत पर इफेक्ट निकालना है, इसी को सॉल्व करना है। 16 × 20, 16 × 2 = 32, 320 से 16 कम 304, ये 150 घटेगा 304 माइनस 150 और बटा में 4, 150 घट जाता तो 154/4, 2 से और कट गया 77/2, ऐसे दशमलव में 38.5, 2 से भाग दे दीजिए 38.5%, 38.5, ऑप्शन नंबर सी। ये था 130 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 131, क्या कह रहा है। रोहन का प्राप्त अंक पवन से 36% कम, भिन्न में चला बदलिए, 4 से कटेगा 9/25 कम, पवन से तो पवन 25 तो रोहन 9 कम तो 16। अब पूछ रहा है पवन का प्राप्तांक रोहन से कितना अधिक है, तो रोहन से ये कितना ज्यादा है तो 9, तुलना रोहन से है परसेंटेज गुना 100, 4 से 4, 4 से 25, 25 गुना 9 225/4, 5 बार में 20, 6 बार में 24, 2 5 56.25, जहां हो आराम से टिक लगाइए पढ़िए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 32, करे जय अपने मासिक आय का 50% किराया पर, 20% कपड़ा पर, 5% दवा पर खर्च करता है, कहीं से इसका चर्चा नहीं है तो जोड़ घटाओ कीजिए, 50 किराया पे, 20 कपड़ा पे 70, 5 दवा पे 75 खर्चा किया, अब बचाया तब कितना 25% जो कि है 125/0, 1% की जरूरत पड़ती तो 500। अब पूछा है आय, आय मतलब 100% तो 100 से गुना कर दीजिए तो हो गया आपका 50,000, टिक लगाइए बढ़ते जाइए। अगले में है वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कमी हुई, तो रेट के बारे में कर रहा है, 15% का मतलब 3/20 कमी, तो 20 था 3 कमी हुआ तो 17, क्वांटिटी में आते तो रेट का उल्टा होता है तो 17 से 20, कितना बढ़ रहा है 3, और किलो में कितना बढ़ रहा है तो 5 किलो ज्यादा, तो 3/5 किलो तो 1/5/3 तो 17/85/3 किलो खरीदता था, अब 20/20 × 5 100/3 किलो अब खरीदेगा। पूछा है मूल मूल्य बताइए, तो मूल कीमत क्या है, तो पैसा कितना लेके जाता था बाजार, 1275 लेके जाता था, 85 खरीद के, 85/3, 3 ऊपर चला जाएगा, खरीद के लाता था, 17 से और 5 से दोनों से कट रहा है, 85 से एक बार में 85 बच गया आपका, 25 15 40 2 42, 5 बार गुना 3, 15 गुना 3 कितना 45 रुपया पर के जी, जहां हो टिक लगाइए बढ़िए। अरे परिवार का एक सदस्य आय का 25% भोजन पर, आगे लिखा है शेष का 35% ऋण पर और अन्य बैंक तथा, फिर लिखा है शेष का आधा बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है, इतने की बचत करता है, आमदनी बतानी है कितनी है, प्रत्येक वर्ष इतने की बचत करता है, आमदनी में जब आया है तो मासिक, दिया हुआ डेटा है वर्ष में तो महीना का पूछेगा तो बाद में अपना 12 से भाग, मान लीजिए एक्स कमाता होगा, 25% भोजन पर खर्च कर दिया तो 1/4 खर्चा तो बचा 3/4, फिर 35% 7/20 खर्चा कर दिया तो बचा 13/20, और अन्य बैंकों में शेष का आधा बच्चों के शिक्षा पर तो आधा खर्चा कर दिया तो बचा आधा, ये बचत है 4 6 2 1 5। एक्स निकालिए, पहले 13 से काटते हैं, 3/39 7 बचा, 5/65 7 बचा, 5/65 6 बचा 5, 3 से काट लेते हैं 1 1 8 5, ये 4 × 2 8 × 2 16, 160 से गुना 1185 × 160, ये हो गया वार्षिक, महीना का कहा है तो 12 से भाग दे दीजिए। अब ये डेटा 4 से कटेगा 40, 4 से कटा 3, 3 से 3/9 2 बचा, 9/27 5, 395 × 4 0, 5 × 4 20, 9 × 4 36 2 38, अब 12 3 15, 15 800, जहां हो रंगिए निकलिए। अगला क्वेश्चन है शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2%,
2020 का दिया हुआ है, 23 का पूछा है, तो 20 से 21 जाएंगे एक बार, 21 से 22 दो बार, 22 से 23 तीन बार, 2% है तो 102/100 कैलकुलेशन तो लेंदी होगा, तो बढ़िया क्या होगा। अच्छा सिर्फ 2% अगर निकालते हैं सिंपल से, जनसंख्या तो सीआई से बढ़ता है, 2% निकालते हैं तो 150,000 का सिर्फ 2% अगर निकालते तो 3,000 होता, सिर्फ एसआई पर बढ़ता तो तीन बार में 3,000 बढ़ता तो 9,000, 1,59,000 और कुछ और बढ़ता, ये ऑप्शन 1,58,000 है, ये भी 1,58,000 ही है, 1,59 बढ़ी है कुछ और बढ़ता, एक ही विकल्प दिख रहा है, आराम से टिक लगाइए, काहे के लिए बैठ के 2% निकालिएगा। चलिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी एग्जाम में देखिए, वनडे में आंसर टिक लगाइए, नहीं तो पूरा डील करते 102/103 बार करते काटते लिखते। आगे गीता एक अपार्टमेंट खरीदी, ईएमआई भुगतान करती है, आमदनी 80,000 है, बच्चों के शिक्षा पर 15, घरेलू कामकाज पर 40%, जीपीएफ में 10% भेजती है, कहीं शेष नहीं है, 15 यहाँ 40 यहाँ 10 यहाँ 40, 10, 50, 10, 8, 5, 65 15% बचत करती है तो 65 और 15, 80% तो यही हो गया, तो ईएमआई में कितना आता, 80 जब खर्चा है तो जो बच है वो ईएमआई में जाता है तो 20%, अब आपको निकालना है 80,000 का, अब 20% मतलब एक बड़ा 5-5 से भाग देते कितना 16,000, ईएमआई के तौर पर कितना 16,000, आराम से टिक लगाइए बढ़िए। 37 है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 20% ने वोट नहीं दिया, 40 वोट अवैध हुआ, विजेता पंजीकृत मतलब टोटल वोट का 42% लाया और विजेता घोषित हुआ मतलब 112 वोट से जीता। अच्छा रजिस्टर्ड में जब 42% विजेता लाया, अब पंजीकृत में 20% जो है तो रजिस्टर्ड से लाया मतलब टोटल से लिखते चलिए, 20% वोट नहीं दिया तो यूजलेस रहा 20%, रिजेक्टेड वोट रहा 40, विनर जो है टोटल का लाया 42 तो जो बचेगा वो रनर, 40, 20, 60 तो 62 हट गया तो 38% और साथ में 40 हट जाएगा, विनर में रनर को घटाएंगे तो जीत हार, 42 में 38 घटा तो 4% और माइनस माइनस प्लस 40 बराबर 112, 40 इधर चला जाता तो कितना बचता 72, 1% की जरूरत पड़ती 18, पूछा है पंजीकृत मतदाता तो 100%, 100% का मतलब कितना हुआ 1800, आराम से रंगिए बढ़िए। 38वां चेहरा था, किसी घनाव की लंबाई चौड़ाई 50% वृद्धि कर दी जाए, ऊंचाई कितनी कम करे कि आयतन वही रहे, क्यूबाइड है लंबाई को 50% बढ़ाया तो 2 से 3, चौड़ाई को 50% बढ़ाया तो 2 से 3, वॉल्यूम वही रहे मतलब 1 से 1 रहे, हाइट पर इफेक्ट निकालना, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, एच निकालना हो तो एल बी से वॉल्यूम में भाग देते, एल बी से भाग देते 1 में तो 4 से भाग, 1 में भाग पड़ता 9 से, यहाँ पर क्रॉस कराइए तो 9 था तो हाइट को ले जाना पड़ेगा 4, अरे कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा, कमी कितना करना पड़ रहा है 5, किस में 9 में, अ परसेंटेज गुना 100 कीजिए, 9 से 5 बार में 45, 5 5 बार में 45, 5 5 5 55.55%, ऑप्शन नंबर बी, रंगिए निकलिए। 39वां काटा है, ये अपनी आय का 18% बचाता है, आमदनी 41% वृद्धि होती है तो वह उतनी ही धनराशि बचाता है, उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अच्छा 100 कमाता था, सेविंग 18 था, इसका मतलब एक्सपेंडिचर इसका कितना था 82, अब कर आय में 41 वृद्धि हुई तो 141 पर आमदनी पहुंच गया, से उतना ही बचाता है, उतना ही बचाता है तो 18 ही बचा पाता है, खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो खर्चा अब कहाँ चला गया, 18 घटा देते 20 घटा देते 121, 2 123, खर्चा कितना बढ़ गया 82 खर्चा तो करता था 123 खर्चा करने लगा, कितने का वृद्धि हुआ तो 41 का वृद्धि हुआ, वृद्धि किसमें हुआ 82 में, परसेंटेज गुना 100, 41 से 2, 2 से कटेगा 50, तो खर्चा में 50% की वृद्धि हो गई। अगले में आइए क्वेश्चन नंबर 144, मोबाइल का मूल्य 30,000 है, वर्ष के अंत में 12% घट जाता है, अगले वर्ष के अंत में 15% घट जाता है तो 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य क्या होगा, 30,000 का मोबाइल है 12% घट गया तो 88/100, अब फिर कह रहा है 15% घट गया तो 85/100, 40 तो ऐसे ही कहानी खत्म हो गई, बड़ा गुना दिख रहा है तो मन हो कि हम डिजिट सम का यूज करें तो कर सकते हैं, ऐसे पीछे 1 ही 0 जाता, इसलिए 1 बार 5 और 1 बार 2 का गुणज है तो 1 ही 0 जाता, मतलब आंसर हर हाल में होता भी, रंग लिए ये काहे बोले, 5 का गुणज के बाद 17 बचता, 2 हटा लेते तो 44 बचता, अब आगे 2 5 का गुणज नहीं है तो पीछे 1 0 मतलब यूनिट प्लेस
से तो नहीं कह सकते कि यूनिट में तो जीरो तीन तीन जगह है लेकिन पीछे से एक जीरो जाता। जिसको डिजिट सम बड़ा गुना है तो डिजिट सम यूज करना हो तो 8 8 16 6 1 7, 8 5 13 3 1 4, ये रहा 3, 7 गुना 3 21 गुना 4 84, 8 4 12 2 1 3, डिजिट सम होना चाहिए 3। इसका हो रहा है यहाँ आइए, 5 2 7 2 9 हट गया, 5 5 10 तो 1 बचा, 4 2 6 6 12 3 बचा, इसका 2 रहा, इसका 7 रहा, डिजिट सम 3। तो यहाँ तो जीरो देख के भी आंसर लिख सकते थे तो काटने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे आइए, ये अकेले काम का आधा भाग 150 दिन में करता है, 50 दिन में ये द्वारा कितना परसेंट काम होगा, तो 150 दिन लगता है, अब काम का आधा करता है मतलब 50%। अब पूछा है 50 दिन करेगा तब कितना करेगा, तो 1/3 है तो 1/3 कर दीजिए, 50/3 मतलब 16 पूर्णांक 2/3%। अब 2/3 को बदल देते तो 0.66 हो जाता, तो लगभग कहते 0.67। अगला है, एक वस्तु के मूल्य में 5% वृद्धि हुई, रेट कह रहा है 5% बढ़ गया, 5% 1/20 बढ़ गया तो 20 से 21, सेल जो है 10% घट गया 1/10, 10 से 9, टोटल क्या इफेक्ट पड़ा, तो 20 के रेट से 10 वस्तु बेचता था तो 200, अब 21 के रेट से 9 वस्तु बेचेगा तो आएगा 189, कितना घट गया रेट 11, घटा कौन 200% × 100, 20 घटा 5.5, ये 2 से भाग, ठीक है 5.5% घट गया तो 5.5% की कमी हो गई मुनाफे पर इफेक्ट। नेक्स्ट में आइए, अरे मनीषा के बटुए में 8,000 है, 10% बढ़ा दिया, फिर उसमें से 5% खर्च कर दिया, उसके बटुए में मौजूद धनराशि का अंतिम मूल्य प्रारंभिक राशि से कितना परसेंट अधिक है, तो पहले क्या किया 10% बढ़ा दिया तो 10 था तो 11 पर पहुंचा लिया, अब फिर कह रहा है इसमें से 5% कम खर्च कर दिया तो बचा 5%, खर्च किया मतलब घट गया तो 19/20, मतलब बटुए में 200 अगर था तो अब बचा 190 19 209, प्रारंभिक से ये कितना ज्यादा है 9, तुलना प्रारंभिक से है, प्रतिशत गुना 100 है, 20 कट गया तो 4.5%, आराम से लिखिए 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अरे एक्स प्लस वाई का 20% एक्स माइनस वाई का 30% है, एक्स प्लस वाई का 20% अब बराबर कर रहा है एक्स माइनस वाई का 30%, परसेंटेज सिंबल है एक एक जीरो कट जाता, ये 3x है, ये 2x इधर आता तो 1x, ये 2y है 3y इधर आता तो 5y, एक्स बटा वाई अगर कर लेते तो हो जाता 5/1। पूछा है एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स इसका वाई का 1 का कितना परसेंट है तो गुना 100, बराबर कितना रहा 500, लिख दिए 500% होगा एक्स वाई का। आइए अगले चेहरे में, क्वेश्चन नंबर 45, अरे कीमत 25% कमी हो जाती है, रेट के बारे में कह रहा है 25% 1/4, कमी तो 4 से 3, क्वांटिटी तो उल्टा होगा, 3 फतफत करता था तो 4, ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे तो 3 के जगह 4 खाएगा मतलब बढ़ेगा 1, कौन बढ़ा 3, परसेंटेज गुना 100, दशमलव में है तो 33.33%, टिक लगाइए बढ़ते जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 46, इसको पूरा किया जाए, बचा वाला क्वेश्चन है, एमटीएस का है तो होना भी चाहिए। ए बी से 6 गुना ये बगल में जोड़ा है अधिक है, ए है और बी है, बी अगर 1 है तो ए उससे 6 गुना, 1 का 6 गुना 6 ज्यादा है तो 6 ज्यादा, 1 से 6 ज्यादा मतलब 7। अब पूछ रहा है बी ए से कितना कम है, तो कम कितना है 6/7, परसेंटेज में गुना 100, 600/7, 7 से भाग दीजिए, 8 बार में 56, 4, 5 बार में 35, 5, 7 बार में 49, 1, 1 बार में 7, और अब क्लोज नहीं है तो आराम से यहीं पर लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 47, अरे 10 cm लंबाई के एक रेखा खंड को नापते समय गलती से 10.2 नाप दिया, तो 10 के जगह पर नाप दिया 10.2, कितना ज्यादा नापा, तो 0.2/10 गुना में 100, 1 दशमलव के बदले 0 है, 1 नीचे से 0 हट गया तो 2%, ठीक लगाइए बढ़ते जाइए। 48 है, एक बाइक का मूल्य 7,000 था, अगला साल 10% वृद्धि हुआ, 11/10, 1 1 0 कट गया तो 7700 का बाइक, ठीक लगाइए बढ़ते जाइए। 49 है, महामारी फैलने के कारण एक शहर की जनसंख्या यहाँ से यहाँ हो गई, तो जनसंख्या था 156940 और घट के हो गया 141246, घटाइए 10 में 6 घटा 4, 13 में 4 घटा 9, 8 में 2 घटा 6, 6 में 1 घटा 5, 1 कितने की कमी आई, तो
कमी आई 15694, बटा में प्रीवियस तो 15640, परसेंटेज गुना 100, संयोग से दोनों डेटा सेम है, एक एक जीरो कटा 10%। अब किसी का मन होता कि ना हम डिजिट सम से आंसर निकालें, हाँ एक बार ऑप्शन जरूर देख लिया कीजिएगा, डेसिमल फॉर्म का विकल्प दिखे तब यूज नहीं कीजिएगा डिजिट सम, सारा राउंड फिगर का है तो कर सकते हैं यूज। इसका डिजिट सम देखते हैं, 9 हट गया आपका, ये 549, ये 9 हट गया, 617 डिजिट सम। डिफर ऊपर लिखते तो डिफर क्या होता, ये आपका 44819, 6281 हट गया 0, बटा प्रीवियस तो प्रीवियस का डिजिट सम 7, परसेंटेज 100, इसका 1, 7/7 मतलब फाइनली डिजिट सम आना चाहिए 1। अब वो ऑप्शन जिसका डिजिट सम 1 हो तो इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 8 है, तो डिजिट सम 1 वाला रंग के निकल जाइए। आगे आइए 150, जो कहा लिखिए 2100 के 2/7 का, 40% मतलब 2/5 का, 25% मतलब 1/4, ये 4/4 कट गया, 7 से 300, 300 में 5 से भाग पड़ता 60, रिजल्ट बन के आ गया 60। एक लगाइए, बढ़ते जाइए, यही फेज, फिर बढ़ेंगे अगले फेज को लेके।